तो रिलीज डेड विश के इस एपिसोड की शुरुआत उसी लड़के से जिसको अपने प्रिंस ने काम दिया था और विचेस को लेके आने का। कुछ विचेस उससे पकड़ लेती है, उस विचेस की जो लीडर यहाँ पे थी ना, वो लीडर इसके बातों का विश्वास तो नहीं करती, लेकिन कंफर्म करने के लिए ना बुलवाती है कि यहाँ भी चल तेरे उस बॉर्डर सिटी में, मैं वाकई में देखना चाहूंगी कि वाकई में कोई है जो कि हम विचेस को सपोर्ट कराए या तो यहाँ पे झूठ बोल रहे। अकेले खड़े उस लड़के के साथ यहाँ पर आई थी तो सिटी के बाहर ना काफी दूर एक माउंटेन पे पहुंच जाते हैं और कहती है कि भाई मुझे कभी लगा नहीं था कि विच एसोसिएशन आके बॉर्डर सिटी में ऐसे रुकेंगे, लेकिन कोई हलचल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, तूने मुझसे झूठ तो यहाँ पे नहीं बोला ना। और एक और बात बता दूं, ये विच और कोई नहीं, आपको याद होगा वेंडी ने जो अपनी कहानी बताई थी जब वो छोटी थी, एक विच ने ढेर सारे दुश्मनों को मारा था, उस समय इसको मौके का फायदा मिला और वेंडी भाग गई थी, यही वही विच है जिसने ढेर सारे चर्च के बंदों को मारा था। हाँ तो मैंने क्लियर कर दिया। सामने वाला लौंडा यहाँ पे कहता है यार मुझे मालूम है अभी नहीं है, मैं इशारा देता हूँ, वो लोग आएंगे, मुझे बोला गया था जैसे तो इस माउंटेन पे पहुंचेगा ना तो फ्लैग यहाँ पे दिखा देना, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। देखो मैंने फ्लैग निकाल दिया। तो वो विच कहती है हाँ लेकिन सबसे पहले खाना निकाल के मुझे यहाँ पे दो। वो सामने से कहते खाना, फिर से तुझे यहाँ पे भूख लग गया। मनी मन सोचता है ये जो बीच यहाँ पर है ना, इसके पास बस एक स्वॉर्ड है और कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूरे रास्ते में रहने सहने के लिए खाने पीने के लिए जो भी पैसे ना, सारे पैसे मैंने दिए थे, यह प्रिंस ने मुझे काम दिया था, बस विचेस को लेकर आ जाओ, उनके खर्चे पीछे के बारे में कुछ नहीं बोला, यह सारा पैसा अपने प्रिंस से यहाँ पे वसूल करेगा। सामने से विच कहती है देख ले भाई अभी मैं तुझे तेरे बातों पर विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ, अगर सच तो ठीक है लेकिन अगर झूठ निकला ना अपन तेरी जान निकाल के यहीं पर गाड़ के चली जाऊंगी। वो कहती यार मैं सामने से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ले ले खाना खा ले मेरी माँ। सामने से कहती है कि हाँ लेकिन अभी देखते बर्ताव देख के लगता है कि वाकई में तो जो भी बातें यहाँ पे कह रहे ना वो सच ही कह रहे हैं, लेकिन अगर बाई चांस झूठ निकल गया तो कोई बात नहीं, मेरी सारी जो विचेस ना उनको मैंने जहाज पे बैठा के ना और क्या बोलते हो फोर्ट सिटी में मैंने यहाँ पे भिजवा दिया, अगर तूने चर्च को बता दिया तूने धोखा भी दिया तो वो तुम लोग मिलकर भी ना हमको रोक नहीं पाओगे। सामने से लड़का कहता भाई वो सिटी फोर्ट सिटी या वो सिटी, तो सामने से विच कहती हाँ वो सिटी तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे जाके हम लोग विचेस के लिए रहने के लिए घर बनाएंगे, हमारी जो लीडर यहाँ पर है ना तिली उसके साथ रहेंगे। जैसे ये आदमी नाम सुनता भी तिली, अरे यार ये तो अपनी प्रिंस की छोटी बहन यानी पांचवी प्रिंसेस है। तभी ध्यान जाता है कि सामने से ना कोई तो यहाँ पे आ रहा है, और शिट लगता है सामने से विचेस आ रही है, लड़के तूने बात यहाँ पे ठीक बोली थी, नाइट गेल कुछ विचेस के साथ आई थी लेने के लिए। वो कहती भाई स्वागत है भाई तुम एक विच हो यानी हमारी बहन जैसे हुई, स्वागत है हमारे बॉर्डर सिटी में, नाइट गेल मेरा नाम है। और लेके जाते हैं सिटी के अंदर, रात यहाँ पे हो चुकी थी तो जैसे घर के बाजू से गुजरते हैं घर के अंदर से ढेर सारे लोग की आवाज आती है पढ़ने लिखने की, तो सामने से ये जो विच थी वो कहती भाई पढ़ने लिखने की भाई तुम पागल हो क्या भाई, रात में कौन यहाँ पे पढ़ाता है। तो स्कूल सामने से कहती है भाई ये नाइट क्लासेस है, यहाँ सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे पढ़ाई होती है, खाली छोटे बच्चे नहीं बल्कि जो बूढ़े जवान जो भी बस जो अनपढ़ लोग हैं ना वो सबको हम लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं। तभी ये जो विच ने स्कूल से पूछती भाई क्या तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच हो, सामने से वो कहती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो क्या होता है, कोई अलग से कैटेगरी होता है क्या, क्या ये लोग जो भी जो क्या बोलते हैं मैजिक वगैरह दूसरे का देख सकते हैं कि इसके पास ये मैजिक वो मैजिक है, तो ये बता दे बल देख तो नहीं सकते लेकिन फील यहाँ पे कर सकते हैं, मुझे भी बस ऐसा फील यहाँ पर हुआ है, तुमको भी फील वगैरह कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होता होगा। जो सुनते सामने से स्कूल कहती है हाँ हल्का सा फील होता है, अगर यहाँ पे हजार भी लोग हैं ना उनमें से भाई कौन मेरी दोस्त वीच है मिलिट्री आराम से पता लगा सकती हूँ, आई डोंट नो इस पावर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे या नॉर्मल यहाँ पर होता है। सामने से वाली बीच बताती कि भाई जब से लेके अब तक मैं कितने भी विचेस के साथ मिल चुकी हूँ ना उन विचेस में मुझे बस तीन यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचेस दिखी है, क्योंकि टोटल हजार विचेस में से कोई एक ही विचेस यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। और ये जो चर्च वाले ना भाई विचेस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचेस ना समझो उनको तो ऐसे कुत्ते की मौत मारते कि मैं क्या बताऊँ, इसलिए कुछ भी हो जाए ये चर्च वालों के हाथों में मत लगना कि भाई तू भी मुझे लग रही है भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच। सामने से जो नाइट गेल है ना वो ऐसा देखती है कि भाई हमें इसके द्वारा इंफॉर्मेशन मालूम चले कि भाई ना एक कंबॉट टाइप के यानी जो लड़ाई के लिए ना ये लिटरली काफी फेमस और काफी हार्ड है, और साथ ही में क्या बोलते हैं इसके हाथ में ना स्वॉर्ड भी है, क्या स्वॉर्ड ऑफकोर्स में लड़ाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। तो जिस हिसाब से इसकी पूरी पर्सनैलिटी जिस हिसाब से बातें करी ना, वेंडी ने मुझे कहानी बताया थी कि एक विच ने उसकी जान बचाई थी जब वो छोटी थी, क्या ये वही विच है, लग तो ऐसी रही है। सामने से वही विच यहाँ पे कहती है कि भाई मैं सुन तुम्हारी जो लीडर यहाँ पे थी ना तुम्हारी लीडर का नाम कारा यहाँ पे था, क्या हुआ वो दिखाई नहीं दे रही है। तो नाइट गर्ल बताते हैं उसकी मौत यहाँ पे कब की हो चुकी है, जो सुन दे कहती अच्छा ऐसी बात है, ओ शिट बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी नई लीडर यहाँ पे कौन है। जो सुंदर नाइट गर्ल कहती है नई लीडर या तुम चलो मालूम चल जाएगा, कैसल के वाले के चल जाती हो, कहती भाई यही है हम लोग इसके अंदर जाना, हिल जाती कह रही है तो कैसा लग रहा है यानी पक्का यहाँ का जो भी लॉर्ड होगा जो किंग है जो प्रिंस होगा उससे घर है, क्या तुम इसके अंदर कहीं को जा रहे हो। जो सुंदर सारी विचेस बताती है क्योंकि भाई यही हमारा घर है, हम सारी विचेस यहीं पर रहती है, और डर जाती कह रही है कहीं तुमने या तुम यहाँ के लॉर्ड के साथ मिलकर तुम मुझे धोखा तो यहाँ पर नहीं दे रहे हो। लेकिन उतने में वेंडी अंदर से भागते हुए आती है, उसको गले लगा लेती है, मालूम है ये वही है जिसने वेंडी की जान बचाई थी, और कहती है अरे थैंक यू यार उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे थैंक यू बोलने का कभी मौका नहीं मिला। लेकिन वो जो विच ने दूर जाती हूँ कहती भाई तू तू को नहीं मुझे काय को फालतू में गले लगा रही है और मैंने तेरी जान का बचाई थी। वेंडी कहती बोल गई बहुत पहले जब हम छोटे यहाँ पे थे एबिस के अंदर यहाँ पे रहते थे तो याद आता, उसको कहते या मुझे याद आ गया। आराम से कैसल में जाते बैठ कर बातचीत करना चालू करते, वो जो विच थी वो सामने से कहती मुझे लग नहीं था कि इतने टाइम के बाद ना किसी पुरानी के
जान पहचान यहाँ पर हो जाएगा। सामने से वेंडी कहते हुए मुझे तुम्हारा नाम याद आया, ऐश, तुम्हारा नाम यहाँ पर ऐश है ना। हाँ तो उसके बाद मैं तो बच के निकल गई थी, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? सामने से ये कहती मेरे साथ यहाँ पे क्या होगा, पहले मैंने कुछ बंदे को मारा, और बंदे आते मैंने और को मारा, फिर और यहाँ पर आए थे मैंने और को मारा। लिग्नेट में सालों ने गॉड पनिशमेंट सोल्जर यहाँ पे भेज दिया था। जो सुंदर वेंडी कहती है गॉड पनिशमेंट सोल्जर्स ये क्या होते हैं, तो ये बताते हुए जो गॉड पनिशमेंट आर्मी है ना, चर्च के समझो सबसे बड़ी यहाँ पे आर्मी है, जिनके बारे में लिटरली बहुत ही कम बंदे को मालूम है, क्योंकि वो उनका सीक्रेट वेपन है जो मेरी जैसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विचेस यहाँ पर है ना उनके साथ फाइट करने के लिए काम आती है। अरे यार वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्होंने मेरी भी बहन यहाँ पे बढ़ा दी थी, मेरी आंखों पर जो ऐसा कट का निशान देख रहा है ना, उन्हीं में से एक बंदे ने किया था जब मैं फाइट करी थी। तो जो गॉड पनिशमेंट का आर्मी का बंदा था, मैंने उसका हाथ यहाँ पे काट दिया था, लेकिन वो एक सेकंड यहाँ पे डरा या फिर चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने अपने दूसरे हाथों से मेरे आंखों पर अटैक किया और मेरे देखो ऐसा निशान यहाँ पर आ गया, अगर मैं 2 सेकंड और लेट हो जाती ना शायद मेरी जान यहाँ पे निकाल लेता। फिर मैं डर के मारे वहां से निकल गई, लेकिन वेल यार मैंने ठान लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इनका सामना करूंगी, इनको बर्बाद यहाँ पे करके रहूँ, इससे दिन भर ना मैं कहीं ऐसे छुपी रहूँ। लेकिन रात में निकली, जो भी उस समय जो चर्च के बंदे थे मैंने उनको मारा, गॉड पनिशमेंट के जो बंदे थे भाई मैंने सबको मारा। उस समय अगर तुम मुझे यहाँ पे देखती ना भाई, लिटरली ऊपर से लेकर नीचे तक ना एकदम में खून खून हो चुकी थी। सामने से वेंडी कहती कोई बात नहीं, अब इससे पुरानी बात है, अब जो हमारी जिंदगी ना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो चुका है, हमारे जो प्रिंस है ना रोलैंड वो हमको अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो जैसे नाम सुनती भाई रोलैंड, यानी यहाँ का लॉर्ड और को नहीं बल्कि साला चौथा प्रिंस यहाँ पे रोलैंड है। सामने से वेंडी कहती हाँ हाँ, तो उसमें कौन सा दिक्कत हो गया? तो उसका हाथ पकड़ती वेंडी का और कहती चलो मेरे साथ चलो भाई, ये जगह तुम्हारे लेने लग बिल्कुल भी नहीं है, तुमको नहीं मालूम उस सारे लोलैंड का बच्चा कितना कमीना और नीचे गिरा हुआ आदमी है, तुम उसके बारे में बिल्कुल जानती नहीं। उसके बाद सीन शो था यहाँ पे, अगले दिन सुबह सुबह का टाइम आता है, प्रिंस आराम से ऑफिस में बैठा हुआ था, यश उसके सामने खड़ी थी, सारी विचेस इसकी वाली उसके बाजू में खड़ी थी। सामने से कहता अपना प्रिंस की वाली, मैंने सुना भाई तुम जो है ना मेरी जो विचेस है उसको अपने साथ यहाँ पर ले जाना चाहती हो। जो सुनते सामने से यश कहती साले भाई तेरी विचेस कैसी हो गई, और सबकी अपनी जिंदगी का कोई सम्मान नहीं है, जो तो उनका मालिक है। तो प्रिंस भी सोचते कह रहे भाई लड़के तो सीधा मुंह के ऊपर इसने बेइज्जती कर दिया। सामने से कहते हाँ आई नो मेरा सामान यहाँ पर नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी है, इन्होंने मेरे साथ यहाँ पे रहने का डिसाइड किया है। और ये बात भाई तुम्हारा, तो सामने से तुमने बोला जो विचेस तुम्हारे साथ है ना, फोर्ट नाम कोई सिटी है तुम वहाँ पर ले जाना चाहते हो, और सिटी बिल्कुल भी रह लाके यहाँ पर नहीं है ना, क्लाइमेट वहाँ पे बढ़िया कुछ भी बढ़िया यहाँ पर नहीं है, वहाँ पे कैसे रहोगे? जियो संदेश कर दिया तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारी जो लीडर है तिली वो हमको लीड कर रही है, हम लोग वहाँ पे अपने घर बना के रह लेंगे। जैसे ये नाम सुनते तिली, अरे यार मेरी सबसे छोटी बहन जिसके बारे में खबर मिली थी वो गायब हो चुकी है, वो तुमको लीड कर रही है। सामने शेयर कहती है वो हमको लीड कर रही है, उसने में जैसे ढेर सारे विचेस कैंप लिए, तो जगह वाकई में भली क्यों ना बेकार है, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे और अच्छे खासे ना रहने सहने की हम जगह वहाँ पे बना लेंगे। एक तुझे देखो भाई साले भाई तेरे बारे में बहुत सुना, एक नंबर का नीच गिरो आदमी है, तूने ऐसे ऐसे जो काम किए नारायण में तू फंस गए, चर्च ले आके तेरी बहन बजा देंगे। तो अनाई डेयर को गुस्सा था, जो से चला दी कमी नहीं भाई हमारे प्रिंस को ऐसा बोलेगी। तो सामने से प्रिंस शांत करता है और कहता है शांत हो जाओ, गॉड पनिशमेंट आर्मी के बारे में तुमने बताया, क्या ये चर्च के वाकई में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग है? अगर वाकई में सबसे स्ट्रॉन्ग है, तुमने उनके साथ यहाँ पे फाइट भी किया, तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच होना, तो भाई मुझे ये बताओ तुमने टोटल कितने को हराया था? ये कहती टोटल 3 को, भाई मैंने टोटल 103 को हराया था। जो सुनते ये कहता अच्छा ऐसी बात है, तो चलो एक छोटा सा 1 vs 1 का फाइट यहाँ पे कर लेते, मेरे नाइट वर्सेस तुम्हारे बीच में, अगर सामने से मेरा नाइट यहाँ पे जीत गया इसका मतलब मैं चर्च के साथ यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ और विचेस भी यहाँ पे सेफ रहेगी। जो सुनते वो भी कहती है नेकी और पूछ बुला अपने नाइट को, अपन फाइट करने को तैयार है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।